देश दुनिया के इतिहास में 7 अक्टूबर का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन गजल गायिका बेगम अख्तर के जन्म समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। आज ही के दिन 1868 में अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय खोला गया था। इसमें 412 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ था, जो उस समय की सबसे बड़ी संख्या थी। भारत के स्वतंत्रता सेनानी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी नरहरि पारिक का जन्म आज ही के दिन 1891 में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी दुर्गा भाभी का जन्म आज ही के दिन 1907 में हुआ था। भारत की प्रसिद्ध गजल गायिका बेगम अख्तर का जन्म आज ही के दिन 1914 में हुआ था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलिराम भगत का जन्म आज ही के दिन 1922 में हुआ था। आज ही के दिन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक व्यापक सैन्य कार्रवाई में रोमानिया जर्मनी के नियंत्रण में चला गया था। 1942 में आज ही के दिन अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1949 में डेमोक्रेटिक सरकार के अस्तित्व में आने के साथ पूर्वी जर्मनी एक अलग देश बना था। 1950 में आज ही के दिन चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना के एक वर्ष बाद इस देश की सेना ने तिब्बत पर आक्रमण कर उसे अपने नियंत्रण में कर लिया था। आज ही के दिन 1950 में मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। 1959 में आज ही के दिन सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान लूनर 3 द्वारा चंद्रमा में छिपे हिस्से की तस्वीर ली गई थी। केरल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के केलप्पन का निधन आज ही के दिन 1971 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी जहीर खान का जन्म आज ही के दिन 1978 में हुआ था। भारतीय मॉडल अभिनेत्री एवं मिस वर्ल्ड युक्ता मुखी का जन्म आज ही के दिन 1979 में हुआ था। आज ही के दिन 1992 में भारत में रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया था। इसका गठन विशेष रूप से सांप्रदायिक दंगों से सहानुभूति पूर्वक और विशेषज्ञता पूर्वक निपटने के लिए हुआ था। 1997 में आज ही के दिन सूर बहादुर थापा ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज ही के दिन 2000 में WWF इंडिया ने पहला राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार हासिल किया था। 2003 में आज ही के दिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने कट्टरपंथियों के खिलाफ अभियान जारी रखने की घोषणा की थी। आज ही के दिन 2004 में जर्मनी ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन किया था। 2008 में आज ही के दिन फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास 4 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत पहुँचे थे। आज ही के दिन 2011 में लाइबेरिया की राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरलीफ और महिला अधिकार कार्यकर्ता लीमेह जीबोई को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।